हम धनौल्टी से निकल गए हैं ऋषिकेश जाने के लिए और रास्ते में ये एलिगेंजा होटल है जहाँ का फूड बहुत अच्छा है एंड बहुत ही डिलीशियस है। तो अगर आप झाझरा से होकर निकल रहे हैं तो इसका फूड ज़रूर ट्राई करिएगा। और हम यहाँ पर ब्रंच के लिए रुके थे और यहाँ का खाना खाकर बहुत ही मज़ा आया और पेट फुल हो गया। ये तो मैं भी खा लूंगी, इसलिए मैंने थोड़ी जगह बचाई। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हम ऋषिकेश के लिए निकले थे लेकिन हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। ये हमारा होटल है और ये गंगा जी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये हमारे होटल का कॉरिडोर है और ये हमारा रूम है। ये हमारे रूम से ही गंगा जी दिखाई दे रही हैं। ये दूसरा रूम है। यहाँ से भी गंगा जी दिखाई दे रही हैं। ये खानी है, इसको क्या कहते हैं इसका मुझे पता नहीं है बट मुझे ये खानी थी। अगर आपको इसका नाम पता है इसे क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेगा ना रे। अच्छा मुझे याद आ गया, इसको काकी के बाल कहते हैं। हम काकी के बाल खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैंडी खा लो। मैं गंगा जी पे आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरा हैप्पी डांस है क्योंकि पहली बात तो मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है और दूसरी बात ये है कि मेरा जन्म यहीं पे हुआ था हरिद्वार में। ये हम आए हैं यहाँ गंगा मैया के दर्शन करने हरिद्वार। रात के 10 बज रहे हैं और ये गंगा मैया का जल बहुत ही निर्मल और शीतल और स्वच्छ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी घाट बिल्कुल खाली है। ये फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। किस किस को फूल अच्छे लगते हैं? मुझे तो गुलाब के फूल तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम हर की पौड़ी की तरफ जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए, तो चलिए आइएगा आपको भी दिखाते हैं और आरती में शामिल होते हैं। गंगा जी की आरती शुरू हो गई है। आरती समाप्त हो गई है और अब हम होटल की तरफ चल दिए हैं वापस। अब फॉग और ज्यादा हो गई है पहले से भी और देखिए लोग अभी भी यहाँ पर नहा रहे हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।